रोमेश चंद्र दत्त का जन्म ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में 13 अगस्त 1848 में हुआ था। अध्ययन पूरा करने के पश्चात रोमेश दत्त 1869 में भारतीय सिविल सेवा में चयनित हो गए। तत्कालीन भारत के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक पद पर कार्य किया। वर्ष 1897 में कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। समाज सेवा करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक भी रहे। रमेश चंद दत्त की मृत्यु 30 नवंबर 1909 को हो गई। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भारत का आर्थिक इतिहास, फेमिंग्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया और इंडियन इन विक्टोरियन एज। आरसी दत्त के अध्ययन का केंद्र बिंदु भारतीय कृषि रही है। रोमेश चंद भारत के अनेक जिलों में प्रशासनिक पद पर रहे। इस कारण उन्होंने भारतीय कृषि को बहुत अधिक गहराई से समझा। तत्कालीन भारतीय कृषि की दशा और दुर्दशा का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। आरसी दत्त ने भारत की गरीबी का विश्लेषण किया तो निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और जब तक कृषि की दशा नहीं सुधरेगी, कृषकों की दशा में कोई सुधार नहीं होगा, भारत की गरीबी दूर नहीं होगी।